हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। आज जो वैकेंसी की मैं बात करूँगा, जो आपके छत्तीसगढ़ के जो आईटीआई छात्रावास अधीक्षक है, जो आईटीआई जो जिसमें आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अधीक्षक और अधीक्षिका की भर्ती होगी। ये अभी कुछ दिन की जो भर्ती है, इसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो पीएससी द्वारा छात्रावास, इस बार जो व्यापम की जगह आप छात्रावास की जो भर्ती है, या आपकी इस बार पीएससी लेने वाली है, जिसमें आपका 500 वैकेंसी उसमें निकाली गई है, और 500 भर्ती निकाली गई है। तो बढ़िया तैयारी कीजिए अभी से, और इसके लिए मैं कंप्यूटर का सीरीज भी चला रहा हूँ। साथ ही साथ हिंदी वगैरह, इसमें आपका जीके का जो छत्तीसगढ़ के जीके से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें कंप्यूटर का जो वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। कंप्यूटर के वेटेज जो कहने का मतलब है, 50 नंबर आपका कंप्यूटर के सेक्शन से आएगा छात्रावास अधीक्षक में, जिसमें से आपको 25 नंबर जो लाना फिक्स है, तभी आपका जो पेपर है आगे जाके चेक होगा। तो 25 नंबर लाना फिक्स है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा। दो पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, आज थर्ड जो अपलोड हो जाएगा। तो पहले क्लासेस को भी जाके देख लीजिए कि सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, SBI PO वगैरह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में आईटीआई जो छात्रावास अधीक्षक अधीक्षक है जो भर्ती की, यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे जो छात्रावास जो अधीक्षक है आईटीआई में, ये यहाँ पे लगभग 54 पोस्ट यहाँ पे इसके लिए निकाली गई है, जिसमें आपका 12वीं पास इसके लिए होना चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ ऐसे जो फॉर्म डालना भी यहाँ पे स्टार्ट होगा 18 मई से, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। या आपको वेबफॉर्म के साइट है, लिंक यहाँ पे दे दूंगा मैं, और यहाँ पे उन लोग फॉर्म भर सकेंगे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। बाकी जो अदर स्टेट से उन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका 18 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, टोटल 54 पोस्ट है, तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। आपके छत्तीसगढ़ की आईटीआई जो छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका भर्ती है, इसको याद रखिएगा, जिसमें से जो रिक्त पद जो निकाली गई इसके लिए आईटीआई छात्रावास अधीक्षक के लिए, ये टोटल इसमें जो छात्रावास अधीक्षक है यहाँ पे, इसके लिए टोटल 45 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, और छात्रावास अधीक्षिका के लिए इसके टोटल 9 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। जो टोटल यहाँ पे 54 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई है। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए सबसे ज़्यादा, आपको मेल कैंडिडेट के लिए तो लगभग 45 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसके लिए है, और छात्रावास जो अधीक्षिका है इसके लिए 9 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। क्या क्या इसमें और क्वालिफिकेशन वगैरह पूरा क्या क्या इसमें लगेगा उसको हम देखेंगे। तो ये आपके इसमें क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स उसको भी मैं बता देता हूँ। तो पहला इसमें चाहिए आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। तो रोजगार पंजीयन आपके पास नहीं होगा, नए स्टूडेंट हो गए, तो अपने जो जिला में रोजगार कार्यालय जाइए, वहाँ पे पंजीयन कराइएगा। तो आपका रोजगार पंजीयन कराने के बाद फॉर्म को भरिएगा, तो ये आपको पहला हो जाता है। तो ये आपके पास रोजगार पंजीयन फिक्स होना चाहिए, हो भी जाता है सिलेक्शन तो वहाँ पे रोजगार पंजीयन आपसे वेरिफिकेशन में आपका देखना पड़ेगा। तो ये आपका पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी स्टेट का नहीं चलेगा, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपका रोजगार पंजीयन फर्स्ट में, इसके बाद छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, थर्ड में आपका जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जहाँ पे आप निवास करते हैं जिला में, तो वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है। चाहे आप जैसे सारंगढ़ जिला में रहते हैं, तो आपका सारंगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, तो ये आपका वहाँ का तहसील में बनता है, तो ये आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। और यहाँ पे 10वीं 12वीं का यहाँ पे अंक सूची आपके पास होना चाहिए मिनिमम, इसके लिए 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो 12वीं पास आपके पास 12वीं का अंक सूची होना चाहिए, 10वीं 12वीं 10वीं 22 पे आपका फॉर्म डलता है, इसलिए 10वीं 12वीं का मतलब चाहिए रहता है। तो जब फॉर्म भरेंगे तो 10वीं 22 से फॉर्म को भरिएगा, तो 10वीं 12वीं आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आवेदन करने की तिथि, आवेदन की जो तिथि है, इसका जो आवेदन जो प्रारंभ हो गया है 18 से स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि आपके अगले महीने के 10/6/2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं।
तो आपके जून 10 जून को आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपको इसमें एज टाइटेरिया वगैरह देख, इसमें एज आयु सीमा जो हम देखें, आपके पास जो मिनिमम जो एज होना चाहिए इसमें 21 मंगी गई है, 21 से आपका 40 आपका एज होना चाहिए। तो 21 से 40 के बीच आपका एज होना चाहिए। सैलरी इसमें आपको दी जाएगी 25,000 से, आप 25,300 से आपका स्टार्टिंग पेमेंट है। तो इसमें 25,000 आपको स्टार्टिंग में पेमेंट दिया जाएगा। 21 से 40 वर्ष का एज होना चाहिए, इससे कम होगा तो फॉर्म को अप्लाई मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपके 21 मिनिमम एज होना चाहिए तभी फॉर्म को आप भर सकते हैं। और पेमेंट तो देखिए सैलरी अच्छी खासी है, तो 25,300 से स्टार्टिंग है, उससे आपके बाद बढ़ते जाएगा। तो आपका 25,300 सैलरी है इसकी, 21 से 40 के बीच आपका एज होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब आइए आपके पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इसको निकालिए। तो फॉर्म को आप भर सकते हैं और बढ़िया तैयारी कीजिएगा अगले महीने के 10 से, शायद डेट को बढ़ाया गया 15 तक भी डेट को बढ़ाया गया है, तो 10 से 15 के बीच में है। तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए फॉर्म को भर लीजिएगा। टोटल 54 पोस्ट है, बाकी तो बता ही चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए 45 और छात्रावास अधीक्षिका के लिए लगभग सेम पोस्ट है, जो इससे इसका सिलेबस जो हो रहा है लगभग सेम वैसी सिलेबस है, जो आपका जो PSC इस बार जो लेने वाले सिलेबस भी लगभग सेम ही है। और इसमें आपका जो एज है मिनिमम 21 मंगा गया है, 21 से नीचे वाले फॉर्म को नहीं भर सकते, इसमें साफ बोल दिया गया है। और यहाँ पे जो छात्रावास जो अधीक्षक है उसका सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो सिलेबस को अगर नहीं देखेंगे तो सिलेबस को देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बढ़िया कंप्यूटर का सेक्शन को भी साथ ही साथ पढ़ना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना है। कहाँ टेस्ट लगाना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। आपका अड्डा 247 है, यहाँ पे आप अच्छा कंप्यूटर सीरीज साथ ही साथ आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करना है, जो पढ़ें उसको रिवाइज करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना है। आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको स्कोर कितना पढ़ने, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन देखेंगे आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, जो आप पढ़े हैं कितना उसमें मतलब और पढ़ना है आपको, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये आपका पहला हो गया, पहले तो पढ़ना है, स्टडी करना है, फिर साथ उसको रिवाइज भी करना है, जो पढ़े हैं उसको वीकली रिवाइज कीजिएगा। थर्ड में आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। मॉक लगाने का मतलब आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, तो कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं कि नहीं, स्कोर आपका कितना बढ़ रहे हैं, कितना पानी में है आपको पता चल जाएगा। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें से आपको कितना 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज पे ज़्यादा कमांड बनाइएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत सारे ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कंप्यूटर के सेक्शन को ज़्यादा वेटेज है, इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर लाएंगे तभी आपका पेपर जो है आगे जाके चेक होगा। और लगभग 2 पार्ट में इसके अपलोड कर दी हूँ, जिसमें आपका 150 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएगा, 150 नंबर, ये आपका छात्रावास अधीक्षक का इसका सेम ही है, मतलब ये दोनों का सिलेबस सेम ही है, उसका तैयारी का मतलब साथ में दोनों होगा, तो फॉर्म को भर दीजिएगा, दोनों लगभग दोनों का काम एक ही हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्म यहाँ पे भर दीजिएगा और इसका भी आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भरना है एक बार मैं बता दूंगा, तो इसका फॉर्म भर लीजिएगा। 150 क्वेश्चन आएगा इसमें भी, तो 150 आएगा जिसमें से कंप्यूटर के सेक्शन सभी को पता सबसे ज़्यादा है, तो 50 नंबर आएगा, तो 25 नंबर लाना आपको फिक्स है, जिसमें से आगे बढ़ेगा आपका पेपर, तो आपका 150 होगा। और इस बार क्या जो नया जिला को सेंटर बनाया गया, तो नया जिला में जो स्टूडेंट रह रहे हैं तो नया जिला में अपना लोकल पास में सेंटर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस बार अच्छा किया है कि नए सेंटर को बनाया, जो 4 जिला जो जो बनाया गया है, तो 4 जिला में अपना सेंटर बनाया गया, तो एग्ज़ाम सेंटर आप पास में ले सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बढ़िया पढ़िएगा, कंप्यूटर का फिर से आज 3rd पार्ट अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो
चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगे। इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।